एक इंटरव्यू में बोले हैं खुद को मीरा समझते हैं। कहे नहीं, अगर गुरुजी प्रेम नहीं करेंगे तो हम मीरा भाई की तरह प्रेम करेंगे। वो कैसे 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 आज कलयुग की दुनिया में, कलयुग का दुनिया है, वेशभूषा से कोई नहीं कहेगा आपको। वेशभूषा अभी है ना, अभी अभी हम कहाँ से चल के आए हैं। मेरे चैनल पे हजार लाख लोग आपको देखेंगे तो कैसे मानेंगे जो आप मीरा हैं। अच्छा, पहले मीरा बनने के लिए जानते हैं मैडम, जब गुरुजी हमको मीरा बना ले तो हम बन जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं गुरुजी अगर हमको जो चीज में वो दर्जा देंगे वो चीज हम कर। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर, एकदम कह सकते हैं आप वहाँ जाके पूजा पाठ कीजिए ना, टैटू बनाए तो बहुत अच्छी बात। परिवार कैसे चलेगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। मीरा से खुद को कंपेयर कैसे कर रही है। कहीं नहीं, दूर रह के प्रेम करेंगे। कहा तुम नहीं, रेनू जी गलत आप बोल रही है। मीरा एक साध्वी थी, दुनियादारी त्याग कर फिर प्रेम की थी। आप गलत बोल रही हैं। तो मेरा हमको फैमिली चलाना है। आप मीरा का स्टोरी जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते। हम जानते पढ़ा लिखल नहीं है। नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन मीरा का स्टोरी आप जानते हैं? नहीं नहीं जानते हैं। क्यों बोले? कैसे बोल रही हैं जो हम मीरा से खुद को। सुनिए, पहले हम बता रहे हैं कि एक प्यार त्यागना भी चाहिए, प्यार पाना ही जरूरी नहीं है। तो हम उनको त्याग के प्यार करेंगे। हाँ। जी, मतलब दूर से ही प्यार, दूर से हम प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमको घर फैमिली चलाना है। हम वेशभूषा कैसे बदल सकते हैं फिर? हम यही वेशभूषा में रहिए। नहीं, यही वेशभूषा अगर गुरुजी अगर अपना लेंगे तो हम अपना भेष बदल लेंगे। कैसे अपनाएंगे ये हम नहीं समझ पा रहे। अपना लेंगे कैसे अपनाएंगे? चाहे तो वो दम मतलब की नौकरानी के रूप देता, चाहे कुछ भी, उनको पास हम रहना, उनको चरणों में रहना चाहते हैं। इधर हमको फैमिली भी संभालना है, उधर हमको गुरुजी को भी देखना है। तो गुरुजी के देखना, तो उनके पास जाएंगे तो काम छोड़ देंगे। आदमी काम नहीं करेगा फैमिली कैसे चलाएगा। आपका एक इंटरव्यू में मैंने ये देखा था, आप एक खंबे को पकड़कर गुरुजी आई लव यू एक पागल के तरह कर रही थी। क्यों ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि प्यार में पागल आदमी हो जाता है। प्यार जी के प्यार में पागल हो गई है। आराम से सच में नहीं, अगर वो बुलाएंगे ना तो सच में हम पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे जी। हम रात में तो इनसे हम खूब लड़ते हैं गुरुजी, मतलब सबके आप इतना हेल्प कर रहे हैं, हम इतना। हमको तो हंसी आ रहा है इनका इंटरव्यू लेने में, कहीं पगला तो नहीं गई है? जो समझिए प्यार जान दे रहा है तो प्यार में पागल नहीं हो सकता। जान देना कहीं, काहे जान दीजिएगा? काहे नहीं जान, लोग दे रहा है मैडम। तरफ आपका फैमिली है, दूसरे तरफ गुरुजी हैं, तो आप किसको संभालिएगा? दोनों के संभालेंगे, दोनों को संभालिए जी। कभी आप कह रही हैं जो गुरुजी हमको बुलाएं तो हम साध्वी बन जाएंगे, मीरा बन जाएंगे। जी जी, तो कैसे कैसे वो बुलाएंगे तो उनको शरणों में चल जाएंगे भगवान। कभी आप बोल रहे हैं हम मम्मी पापा को संभालेंगे, कभी आप बोले हैं कि दोनों के संभाल, दोनों को आप कैसे? गुरुजी अपना माँ बाप के छोड़ जब जब कोई लड़की या कोई लड़की अगर साध्वी बनती है तो माँ बाप को कैसे देखेगी वो? तो गुरुजी अपना माँ बाप के नहीं देख रहे हैं, गुरुजी अपना फैमिली नहीं। बिल्कुल देख रहे हैं। वो एक साध्वी और गुरुजी में काफी अंतर होता है। आप बातों को समझ रही हैं या नहीं? देखिए, समझ रहे हैं मैडम, ऐसा बात नहीं है, समझ रहे हैं तभी आपको जवाब दे रहे हैं। हमको कहना है गुरुजी अगर अपना आएंगे तो हम अपना मम्मी पापा के थोड़ी छोड़ देंगे। वो अपना मम्मी पापा के थोड़ी छोड़ ले हैं कि हम छोड़ देंगे। मम्मी पापा सबको साथ लेंगे, सबके साथ नहीं, हम गुरुजी के शरणों में चल जाएंगे। वहाँ से अपना माँ बाप के देखते रहेंगे जैसे गुरुजी वहाँ पे अति करते हैं। कमाइएगा नहीं तो मम्मी पापा को कैसे देखेंगे? वो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे वो गुरुजी जब बुलाएंगे तबे पता चलेगा कि हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे। बात गुरुजी अपना कमा के नहीं चला रहे हैं फैमिली, बिल्कुल चला रहे हैं। तो ऐसा ही हम भी चला सकते हैं। मीरा से कंपेयर खुद को कर रही है ना, बात ये है। काहे नहीं कर सकते हैं हम? तो मीरा अपने मीरा अपने फैमिली को शादी करना कोई सलूशन है ही नहीं, बिल्कुल सलूशन नहीं। आप खुद को मीरा से कंपेयर कर रही हैं तो मीरा वाला थोड़ा सा भी लक्षण अपने अंदर होना चाहिए ना। आप जाने दीजिए, आप गुरुजी के कहने लगे चाहे पब्लिक के लग रहा है कि हम मीरा वाला लक्षण नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा दिल जानता है ना, हम हनुमान जी तो नहीं है कि अपना सीना चीर के दिखा दें। आपको चीरने का जरूरत तो नहीं है। कौन है आप? कौन है? मैं इनकी ऑनलाइन सास हूँ। ऑनलाइन सास, ये कैसे? 6 साल से हम लोग यूट्यूब पे एक साथ सास बहू का रोल पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। काहे इनका साथ दे रही है? सही कर रही है क्या? सही कर रही है तभी साथ दे रहे हैं। कैसे सही कर रही है ये बताइए। हम लोग भगवान का बनाते हैं, महाकाल का, महाकाली का, जैसे मैंने लिखवा रखा है। तो सिंपल, इसको प्यार हुआ 6 महीने पहले। आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? हम तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और रही, हाँ दिखे शुदा हैं, पैर में बिछुआ सिंदूर इसलिए नहीं लगाते हैं कि पसीने से पूरा बह के नाक में आ जाता है। चूड़ी पहनने के बाद पहनते भी हैं, मेरा पूरा दाना निकल जाता है। सावन में चूड़ियाँ भी पहनती हूँ, मैं हर रूप में रहती हूँ, साड़ी सूट जी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है जो आप शादीशुदा हैं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी 12 साल हो गए हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं इतना फ्रीडम है जो आप सिंदूर कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीडम इसलिए है ना कि मेरा चेहरा जब मैं बाहर निकलती हूँ सिंदूर लगाने के बाद पूरे चेहरे पर मेरे फैल जाता है। ऐसा तो नहीं है जो आप लोग को दिखाना चाहती हैं जो मैं शादी मैं लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं रखती हूँ, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, मेरा इंटरेस्ट भी अगर किसी से रियल वाला लव है ना तो माँ काली से है। हाँ, मैं उनके सिवा कुछ आप किसी भी इनके तरह गुरुजी के तरह माँ काली का फोटो लगवाएंगी क्या? हाथ फोटो नहीं, मैंने लिखवा रखा है। फोटो क्या लगवाना है? मतलब हम लोग नहीं लिखवा
होते हैं तो हम लोग सरती आप लोग क्या करती हैं और क्या नहीं, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, हमको खुद से मतलब है। कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म को मिट्टी में मिला रही हैं। सनातन किस सनातन? अरे अपना सिंदूर की है ना बिंदी। हम तो पति को भी तो लगाना चाहिए एक लेबल कि मैं शादीशुदा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में नहीं, तो वही कौन से शास्त्र में लिखा है कि जरूरी है कि मैं सिंदूर लगाऊं तभी मैं किसी की पत्नी कहलाऊं? तब तो आप शादी नहीं करती, वो अच्छा रहता। मेरे माँ बाप ने कराई। नहीं करते ना फिर आप? माँ बाप आप सिंदूर नहीं कर रही है, बिंदी एकदम आराम से सुनिए मेरी बातों को। हाँ। बिंदी नहीं कर रही है, आपका पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल आप पर्सनल रखिए, नहीं पहना है नहीं पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत कर रही है या नहीं? आपको लगता है कि गलत है तो गलत से आपसे पूछ रही हूं। नहीं बिल्कुल, मैं खुद नहीं बोल रही हूं, आपसे पूछ रही हूं। बिल्कुल नहीं, गलत नहीं ना, मतलब नहीं भी करेंगे तो चलेगा। कुवारी लड़की बन के रहेंगे वो चलेगा? कोई जान, सब लोग जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे? मैं आपसे अभी मिली ना। हाँ तो मिली ना, तो आप क्या जानती हैं कि मैं सिंदूर कब करती हूँ, मैं तीज व्रत क्यों जानूं? ये तो आप मुझसे ये क्यों क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करने का अधिकार है आपसे, मेरा काम ही है क्वेश्चन करना, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी ना। मैं सिंदूर कब लगाती हूँ? मैं तीज में एक साल में तीज में व्रत रहती हूँ तो 16 श्रृंगार करती हूँ पूरा। सावन चढ़ता है तो चूड़ी बिंदी इसी हार्डिन गार्डन में पूरा मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आए थे पूरा। मतलब एक एक दिन कहीं चूज कर लेते हैं, हाँ इस दिन हमको करना है। हाँ करना है। हाँ। क्योंकि आपको नहीं पता है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है? हाँ, हाँ। और एक साल में ही हो गया है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं, आप करारा क्वेश्चन कर रही हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। उसके बाद मेरा भाई नहीं है, मैं जिम्मेदारियों में इतनी उलझी हुई हूँ, माँ है, बाप है, छोटी बहन है, छोटी बहन की शादी कराया, यहाँ तक कि तिलक भी मैंने चढ़ाया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम महादेव के नाम पर तीज व्रत रह जाओ। तो मैं हर साल 12 साल से महादेव के नाम के लिए तीज व्रत करती हूँ, पूजा महादेव को पति मानकर। हाँ बोले ना, हाँ मेरी माँ ने कहा कि तुम अपना कर्म मत खराब करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं करो उससे मत, यानी कि आपके पति, हाँ उससे कोई लेना देना नहीं है तुमको, तुम अपना कर्म करो। और ऐसा नहीं है मैं बिछिया पहनती हूँ कंटिन्यू। अगर आप बिछिया पहनती है, पायल पहनती है, तो सिंदूर लगाने में क्या नहीं? मैं बताऊँ ना मैडम, मैं जिस राज्य से कहीं आप पति को मानती है तब तो अभी बिछिया पहनी, हाँ लेकिन सिंदूर लगाने के मैं गली गली घूम के पूरे बलिया शहर का आधार कार्ड बांटती हूँ, गर्मी हो जाड़ा हो या बरसात हो। तो कंडीशन ये आ जाती है कि जब एक लड़की चलती है तो उसको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल। तो मैं जब 100 लोगों का आधार कार्ड लेके अपने पर्स में चलती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पसीना होता है, तो पूरे सिंदूर ये चेहरे पे पूरा फैल जाता है, और कितना भी पोछे क्योंकि वो लाल जो डार्क रंग होता है पूरे चेहरे पे था। तो मैंने कहा कि सिंदूर ने बिछिया पहन ही रही हूँ, सिंदूर कहीं बीच में मांग में लगा लिया, क्योंकि मेरे न लगाने से मेरे पति मर नहीं जाएंगे, वो जिंदा है, सही सलामत है, और मेरी शादी भी नहीं करते तो चलता है। ये तो आप गलत बोल रही हैं, नहीं लगाने से पति मर नहीं जाएंगे, डाइवोर्स हो चुका है वो अलग मैटर है। हाँ लेकिन आप शादी ही नहीं करती? ना ना मैं शादी नहीं करूंगी, तो बाबा भगवान ना करे, भगवान ना करे कि फिर शादी नहीं करती ना, मम्मी पापा को मना करते जो मुझे नहीं। एक्चुअली मैंने मना किया था, तो मेरी मम्मी बोली कि लड़का अच्छा है, दिख भी रहा है अच्छा। मैंने कहा मम्मी लड़का स्मार्ट नहीं है, मैंने फोटो दिखाई। हाँ चाहिए था, हाँ थोड़ा सा एक होता है ना कि मैं मेड फॉर ईच अदर, तो मैंने कहा, मम्मी बोली कि नहीं जो भी है कर लो। मैं उस टाइम बहुत कम उम्र थी, 18 साल की थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो लड़का मिल गया है शादी कर लेते हैं, वो भी अपना जॉब करेगा दिल्ली में, मैं भी जॉब करूंगी, आधा मैं ससुराल को पैसे दूंगी, आधा मायके वालों को, मेरा सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही 3 महीना शादी हुई, पता चला एक सावन में मेहंदी लगती है, पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है दिल्ली में, पहले से लव मैरिज कर रखा है। मैंने सवाल किया कि खोल दीजिए ना बिछिया, खोल दीजिए, क्या जरूरत है? मेरे माँ बाप का नहीं, अगर माँ बाप चाहते हैं तो फिर आप सिंदूर भी लगाइए। नहीं सिंदूर मैं नहीं लगाऊंगी, बिछिया भी खोल लीजिए, देखन फ्री है, अगर उससे रिश्ता खत्म, मेरा दिल करता है तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, मेरा दिल करता है तो नहीं लगा। मैटर पे जो मुद्दा है उस पे आते हैं, इनका सपोर्ट क्यों? इसलिए सपोर्ट करते हैं ना कि ये लड़की रियल में बाबा से प्यार कर, मुझे भी पहले लग रहा था कि ये फेमस होने के लिए कर रही है, मैंने इसको डांट भी लगा था ना स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ। तो मैं बलिया थी, हाँ। मुझे फोन की कि दीदी मुझे प्यार हो गया, हमने यार अभी तो एक जो एक महीने वाली बात, हाँ। इसने बताई, वो भी बताई थी मुझसे, हमने यार फिर प्यार, क्या लगता है वो भाई थे या बॉयफ्रेंड? नहीं वो प्यार करती थी इसलिए कि मैं शादी कर लूँ, हाँ शादी कर लूँ, अपना जीवन बसा लूँ, लेकिन इसने मेरे को बोला, मैंने यार फिर तुमको प्यार हो गया, मैंने इसको गाली भी दी, तो बोली कि नहीं दीदी मुझे बागेश्वर बाबा के विचारों से, उनका वीडियो देख देख के मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ। हमने बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जाहिर सी बात है कि तुम रील्स वगैरह बनाती हो, तुम्हारे मिलियन में वीडियो जाते हैं, खींच के डालोगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बोली दीदी चाहे आप जो भी हो, सूली पे चढ़े चाहे, हाँ जो स्टार्टिंग वाला जो बनाई थी, हाँ हाँ कोई भी, फिर क्या हुआ?
तो बोली कि दीदी अब क्या करें, हो गया है, मुझे भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि उससे उसको मैंने चीट किया था, इससे मान ली उससे झूठ बोला था कि मैं, नाम पहले मेरा नाम संगीता मिश्रा है। संगीता जी ये बताइए, अगर एक लड़के से इनको प्यार हो गया है, अभी इन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे, इन फ्यूचर इनका मन कर जाए शादी करने का तो ये नहीं करेगी? मीरा से खुद को कंपेयर कर रही है, कर रही है। तो रियलिटी आपको बताऊं, वो उस टाइम द्वापर युग की बात थी, ये कलयुग की बात है, बिल्कुल कलयुग। क्या लगता है शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं गारंटी लेती हूँ, नहीं कर गारंटी, मैं गारंटी ले ऑनलाइन, इसलिए कि मैं 6 साल से आज भी इनके साथ रूममेट बन के रहती हूँ। गीता जी दो पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, तो फिर कैसे गारंटी ले रही है? लेकिन मैं इसके दर्द को देखी हूँ, रात रात भर रोती है और बाबा से कहती है बाबा मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे आपके शरणों में बालाजी की सेवा करनी है, मुझे नहीं रहना। फिर जाइए ना बाबा के यहाँ, यहाँ क्या कर रही है? जाएंगे, आप ये बताइए बाबा हैं बाला एमपी में? बाबा तो नहीं है ना? अरे तो बाबा जहाँ जहाँ उनका प्रवचन होता है जहाँ तहाँ नहीं ना जाना है, इनका प्रण है कि मैं एमपी ही जाके मिलूं। बाबा के बाबा एक जगह कहीं पर रहेंगे नहीं, बाबा का तो जगह बदलते रहे। जिस दिन बाबा आए एमपी में उसी दिन भले टिकट हो या ना हो, जनरल का टिकट कटा के भी धक्के खाते हुए भी हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, आप ही उधर ही रह जाइए। हाँ हमेशा के लिए, क्या करना है, भगवान की सेवा करने में कौन सा पुण्य है? तो यहाँ धरती पे चलने के लिए चाहिए रुपया, लेकिन यमराज के यहाँ जाने के लिए पुण्य चाहिए। तो भैया हम अपना पुण्य करेंगे और बाबा के चरणों में रहेंगे, बाबा जिस रूप में रखें।